हे गाइस दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक हिंदी और आप सभी का स्वागत है तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है और ये जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एनसीईआरटी का ट्वेल्थ क्लास का भाग सेकेंड है तो इसमें हम लोग बहुत सारी बात करेंगे यानी कि हम लोग इसमें हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो यात्रियों के नजरिए होंगे हम लोग दसवीं शताब्दी से हम लोग सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में जितने भी आपके यात्री आए हैं उन सभी यात्रियों ने हमारे भारत के बारे में लिखा क्या है जैसे कि हम लोग आयाम की बात करें सामाजिक क्षेत्र में क्या लिखा है इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में क्या लिखा है आर्थिक क्षेत्र में क्या लिखा है तो विभिन्न काल क्रम में विभिन्न शासक के समय में अलग अलग यात्री आए हैं और इन सभी यात्रियों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ये है भक्ति भक्ति सूफी परंपराएं। ये काफी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था हमारे हिंदू धर्म में भी ओके हमारे देश में कुछ उदारवादी लोग आए थे जो आ, समाज में फैली जो बुराइयां हैं जैसे सती प्रथा ओके जातिवाद अस्पृश्यता इनको वो दरकिनार करते हुए उन्होंने काफी सुधार की बात की इसी प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय में भी एक उदारवादी संप्रदाय था ये था सूफी संप्रदाय इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आपके पूछ थ, आ, बनते हैं काफी महत्वपूर्ण है और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय है काफी महत्वपूर्ण है तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ आर्थिक क्षेत्र में जैसे कि हम लोग किसान के बारे में हम लोग जमींदार के बारे में हम लोग राज्य के बारे में बात करेंगे और लगभग यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं और आप सभी लोग जानते हैं ये जो आठवां चैप्टर है हमारा किसान जमींदार और राज्य इसमें हम लोग मुख्य रूप से मुगल साम्राज्य की बात करेंगे ये मुगल साम्राज्य काफी महत्वपूर्ण है मीडियबल हिस्ट्री में ध्यान रखना इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुगल दरबार में कुछ शासक कितने आए थे कौन कौन से आए थे और लगभग हम लोग सोलवी सदी से सत्तरवीं सदी की बात करेंगे यानी कि कहने का मतलब हम लोग मीडियबल हिस्ट्री की बात करेंगे ओके चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे पहले एक सूचना है आप सभी जानते हैं अगर आपको दो हजार और दो की तैयारी करनी है तो अन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म

यहाँ पर आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप है एट द रेट भूपेंद्र सिंह दिनकर नीचे अन अकेडमी पर आप मुझे भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से फॉलो कर सकते हैं ये कुछ बातें मेरे बारे में है जो भी नए स्टूडेंट है जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो देख सकते हैं आप जैसे ही अन अकेडमी ज्वाइन करोगे वैसे ही आप इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उन सभी टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ जाओगे लगभग पंद्रह हजार पाँच सौ उन्नीस कोर्स आपके पास अवेलेबल होंगे और ये पांच कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड होंगे तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कंटेंट आपके हाथ में है, है। प्लस भी है आपके लिए एक साल की जो फीस है प्लस की 49,500 इसमें आप बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो 10 परसेंट का डिस्काउंट उसके बाद 44,550 फोर दो साल का कोर्स है उसमें बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो सेवेंटी टू थाउजेंड से सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और तीन साल का थर्टी सिक्स थाउजेंड सॉरी तीन साल का नाइन्टी थाउजेंड है बी एस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो एटी वन थाउजेंड का आपको पड़ जाएगा यहाँ पर आइकॉनिक भी है इसमें पर्सनल कोच मिलेगा आपको जो डेली मानस मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सभी आपको बताएगा इसमें एक साल का कोर्स है सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी एस लाइव कोड का यूज़ करोगे सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी इसके अलावा दो साल का कोर्स यूज करोगे, करोगे तो इंस्टेंटली आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ओके तो बी एस लाइव कोड का यूज कर सकते हो आप अगर आप चाहते हो कि आपको सेपरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए तो सेपरेट भी आप ले सकते हो एक साल का फीस है यहाँ पर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें बी एस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो आपको ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी का पड़ जाएगा दो साल का कोर्स है फोर्टी थाउजेंड का इसमें भी आप बी एस लाइव कोड का यूज़ करोगे थर्टी सिक्स थाउजेंड का मिल जाएगा और तीन साल का कोर्स है वो है फिफ्टी थाउजेंड का इसमें भी आपको जो है दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा बी एस लाइव बी एस लाइव कोड का यूज करोगे तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप <coughs> यहां पर कंपटीशन चल रहा है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इसमें फर्स्ट प्राइज है मैकबुक सेकेंड एप्पल आईपैड थर्ड एयरपोर्ट और टॉप हंड्रेड वालों को एक हजार के जो है वाउचर मिलेंगे यहां पर आपके पास छह महीने बचे हुए हैं अगर आप 2021 की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आपके आपको मिलेंगी लगभग पांच घंटे की आपको फ्री पीडीएफ प्री मटीरियल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा कोर्स मिलेगा अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं आपको जो है टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा ये सिक्स मंथ वालों के लिए है बायलैंगल हिंदी और इंग्लिश 2022 वालों के लिए भी इसमें यहाँ पर अवेलेबल है मिशन 2022 हजार है हिंदी 2022 ये भी आपके लिए है और आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा ये 2022 के स्टूडेंटों के लिए है 2023 के लिए भी है ये बायलैंगल भी है लक्ष्य भी है जो कि हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम ओके तो ये कोड है इस कोड को आप ध्यान रखना जब भी आप एडमिशन लो तो ये कोड को ध्यान रखना इसमें आपको हर एक अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ऊपर देखो वो है टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर सारी पी आपको मिल जाएंगी चलिए तो हम लोग आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ये है एन भाग दो ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है इसके बाद हम लोग ओल्ड एनसीआर स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे ओल्ड एनसीआर सारी की सारी पीडीएफ आपको यहां मिलेंगी भूपेंद्र सिंह बी एस लाइव भूपेंद्र सिंह ओके तो सारी पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलते हैं हम लोग वापस <kuh> तो हम लोग बात कर रहे हैं यात्रियों के नजरिए देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यात्री समय समय पर आते रहते हैं आपने देखा होगा ना कि सांग इत ओके विभिन्न काल क्रम में ये आए हैं अब यार देखो इन्हो अब ये आए हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ भारत के बारे में तो बताया होगा ना ओके कुछ ना कुछ भारत के बारे में बताया होगा कि भारत का समाज इस प्रकार का था भारत का आर्थिक दशा इस प्रकार की थी भारत की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की थी और मैंने आपको बताया भी था कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी कुछ विदेशी विवरण के माध्यम से भी मालूम चलती है हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी मेगास्थनीज की कौन था मेगास्थनीज और इसकी पुस्तिका के बारे में मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट अगर आपको याद हो तो मुझे मेगास्थनीज के बारे में बताओ मेगास्थनीज कहां से आया था इसकी किताब का नाम क्या था इसमें जो हम लोग बात करेंगे यात्रियों के नजरिए के बारे में ध्यान रखना हम इसमें दसवीं से सदी तक जितने भी आपके यात्री आए उनके नजरिए की बात करेंगे और इसमें भी मुख्य रूप से हम लोग समाज के बारे में बात करेंगे किसके बारे में समाज के बारे में हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी ओके तो ये सभी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि समय समय पर हमारे देश में अनेक विदेशी यात्री आए और ने अपने अपने हिसाब से भारत की दशाओं का वर्णन किया और अपने अपने हिसाब से गहनता के साथ इन्होंने जो है अपनी यात्रा का वर्णन कर दिया ओके okay, इसमें तो बहुत सारे ऐसे आपके विदेशी लेखक हैं जिन्होंने कई ऐसी बातें लिखी जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं करती है कि आपका था उसने कहा था कि समाज में नौ वर्ण हैं आपको कभी लगता है कि हमारे समाज में कभी नौ वर्ण रहे हैं हमारे समाज में हमेशा चार वर्ण रहे हैं। तो कभी-कभी ऐसी बातें रही हैं जो कि अतिशोक्ति लगती है हो सकता है कि उस विदेशी लेखक ने किसी और बारे में ये सब बातें करी होंगी और कभी कभी आप अच्छा आपने देखा है आपने ये भी देखा होगा ना कि बहुत ही कम महिलाएं ऐसी हैं जो कि लेखक थी और जिन्होंने समाज के बारे में लिखा है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार था ना ही शिक्षा लेने शिक्षा करने का अधिकार था और एक दो महिलाएं थी भी सही तो उनका इतिहास लेखन में कोई इंटरेस्ट नहीं था ओके तो बहुत ही कम हमें साक्ष्य मिलती बिल्कुल ना के हमें ना के बराबर हमें साक्ष्य मिलते हैं कि कोई महिला हमारे समाज के बारे में है ना लिख रही है और उस समय पर महिलाएं यात्रा करती भी नहीं थी यात्राएं कौन करता था यात्राएं आपके जो हैं पुरुष ही किया करते थे तो ध्यान रखना कभी कभी हमें जो व्रातांत मिलते हैं उनका परिस्थिति और समय के हिसाब से हम लोग अध्ययन करते हैं तब जाकर हम अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं बहुत सारे तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि दरबार से संबंधित थे आपने देखा होगा कि वैन सांग के समय पर कौन आया था नहीं सॉरी, किसके समय पर आया था इत सिंह किसके समय पर आया था ओके तो बहुत सारे जो आपके विदेशी होंगे लेखक वो दरबार के बारे में अपने इतिहास को लिखेंगे यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखेंगे ओके और ध्यान रखना बहुत सारे ऐसे विदेशी आपके लेखक हैं जो कि हमारे भारत देश के धर्म के बारे में हमारे भारत देश के स्थापत्य के बारे में हमारे भारत देश के स्मारक के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार के हमारे देश के स्मारक थे स्थापत्य थे मंदिर किस प्रकार के थे मस्जिद किस प्रकार की थी किस प्रकार के धार्मिक तत्व हमारे देश में मौजूद थे हमारा धर्म कितने संप्रदायों में बटा हुआ था इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं विदेशी लेखक ध्यान रखना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की लगभग पंद्रहवीं शताब्दी की हम लोग बात करेंगे और डिटेल में हम लोग हम लोग इसको अध्याय साथ में पढ़ेंगे यहाँ पर विजयनगर शहर के बारे में हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं और और हमें जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है ओके जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ कि मौर्य समाज के बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारे ग्रंथ आपके पास अवेलेबल हैं और हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाती है लेकिन इसके पहले के जो हर एक वंश रहे हैं धनानंद वगैरह नंद वंश रहे हैं उनके बारे में हमें कम ही जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में तो हमें बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से जैन ग्रंथों के माध्यम से सभी ग्रंथों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है ध्यान रखना ये जो विजयनगर साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य के समय पर भी इतिहास लेखन का काम जारी रहा बहुत सारे विदेशी लोग आए इन लोगों ने समय-समय पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी दी प्रीलिम्स में और मेंस में विजयनगर साम्राज्य काफी महत्वपूर्ण है ध्यान से और डिटेल में इसको पढ़ना ओके एक था अब्दुल रजाक समरकंदी इसने जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और ये जो थे वो कहां से आए थे ये आए थे हैरात से हैराथ कहां पर है मुझे एक बार बता दो ध्यान रखना कई बार जो यात्री हैं कई विदेशी यात्री होते हैं वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हैं और कई विदेशी यात्री होते हैं वो एक ही दरबार में रहते हैं और उस दरबार के बारे में जैसे कि मान लीजिए कोई विजयनगर साम्राज्य में में रह रहा है विजयनगर दरबार में रह रहा है तो विजयनगर साम्राज्य नगर तक फैला हुआ है उसके बारे में जानकारी देगा इसी प्रकार से अगर दूसरा कोई यात्री है वो मुगल साम्राज्य में रह रहा है तो मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देगा ऐसे कम ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि कोई विदेशी यात्री पूरे भारत देश में घूम रहा है और पैरल यानी कि समानांतर अनेक राज्यों के बारे में जानकारी दे रहा है आपने देखा होगा कि एक इतिहासकार है वो एक ही आपके जो राज्य हैं, उसके बारे में जानकारी देता है है ना ये आपने देखा होगा ओके <laughs> तो ये सब जो यात्री थे इनका मुख्य मकसद ये था कि भारत में जो परंपराएं हैं रीति रिवाज हैं, इनको समझने का प्रयास किया जाए ठीक है ना इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि हमारे भारत देश में बहुत सारे यात्री आए और इन यात्रियों ने समय समय पर हमारे देश के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी और इतिहासकारों के लिए ये विदेशी विवरण एक, एक जो है आपके लिए एक जो है आपके लिए मतलब इतिहास को समझने के लिए काफी अधिक जानकारी हमें मिलती है इन विवरण के माध्यम से हम अच्छी तरीके से अपने समाज को भी समझ सकते हैं इसके लिए हम लोग तीन व्यक्तियों के वृत्तांतों के ऊपर ध्यान देंगे सबसे पहले कौन अल बिरूनी अल बरूनी भी बोलते हैं इसको अल बिरूनी भी बोलते हैं अल बिरूनी जो आपके ग्यारहवीं शताब्दी में हमारे भारत देश में आया था और ये कहाँ से आया था ये उज्बेकिस्तान से आया था इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और विदेशी आया इसका नाम था इब्न बतूता ये चौदहवीं शताब्दी से शताब्दी में आया था और ये कहाँ से आया था ये मोरक्को से आया था इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे बर्नियर की ये यात्री फ्रांसीसी यात्री था और ये सत्रवी शताब्दी में आया था इन तीन यात्रियों के विवरण पर हम लोग फोकस करेंगे इसने हमारे समाज के बारे में कौन कौन सी बातें लिखी हैं किस प्रकार का हमारा समाज था ध्यान रखना हम लोग बात कर रहे हैं दसवीं से सत्रवीं शताब्दी के मध्य की ध्यान रखना कि ये जो यात्री आए थे ये किन परिस्थितियों से आए थे इनका समाज अलग टाइप का था आपने देखा होगा इब्न बतूता ये कहीं और से आया था मोरक्को से आया था ओके और इसकी जो स्थिति थी इसकी ज, इसका जो समाज था वो अलग टाइप का था इस प्रकार से अलबरूनी आया वो उज्बेकिस्तान से आया था उज्बेकिस्तान का समाज अलग प्रकार का है और इसी प्रकार से मोरक को सॉरी इसी प्रकार से बर्नियर जो आया था वो कहाँ से आया था वो फ्रांस से आया था फ्रांस का समाज अलग प्रकार का है तो देखो हमारे समाज में जब जब ये लोग आए तो हमारे देश में तो परंपराएं रीति रिवाज ये तो सामान्य सी बात है ना हमारा पहनावा हमारा खान पान अब इनके लिए वो सभी चीजें सामान्य नहीं थी जो चीज़ें हमारे लिए सामान्य होती हैं वो उनके लिए सामान्य नहीं थी जैसे कि हमारे देश की महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो उनके लिए सामान्य नहीं थी तो इन्होंने अपने वृत्तांत में हमारे समाज के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ दी जो कि सामान्य थी कि हमारा खान पान किस प्रकार का था हमारा रहना किस प्रकार का था तो ये विषय आपके सामान्य थे इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे एक आपका यात्री था इसका नाम था अल बरूनी अल बरूनी बोलते हैं लेकिन एनसीआरटिस में इसका जो नाम है वो अल बिरूनी दे रखा है तो हम लोग अल बिरूनी इसको पढ़ेंगे क्योंकि तो एनसीआरटिस में जो बात लिखी गई है उसी को हम लोग सही मानेंगे क्या लिखोगे आप अल बिरूनी आप ये मत सोचना कि आपने आपको ये जो बिरूनी लिखा है वो गलत है गलत नहीं है अल बिरूनी ही बोलते हैं ध्यान रखना ये अल बिरूनी कहां से आया था जस्ट मैंने आपको अभी बताया था फटाफट मुझे बताओ कि अल बिरूनी अल बिरूनी कहां से आया था हमने बात की थी ना की थी ना उज्बेकिस्तान से आया था ये कहां से आया था उज्बेकिस्तान से अब ये अल बिरूनी का उद्देश्य क्या था इसको उद्देश्य को तो समझना पड़ेगा ना तो अल बरूनी का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो धार्मिक धार्मिक परंपराएं चल रही हैं हमारे जो धार्मिक विषय थे यानी कि हिंदू धर्म में जो हिंदू परंपराएं चल रही हैं अल बिरूने अल बिरूनी ने इन हिंदू धार्मिक परंपराओं के बारे में अपने वृत्तांत में बहुत डिटेल में और बहुत ही संक्षेप में जो है वर्णन किया है तो अल बरूनी ग्रंथों के, के माध्यम से हमारे जो धार्मिक समाज है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है अच्छी तरीके से और इसी प्रकार से बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो आपके फारसी में लिखे गए थे अरबी में लिखे गए थे बहुत सारे इतिहासकार जो थे उन्होंने हमारे देश में इनका अध्ययन किया और वहाँ के समाज के बारे में समझने का प्रयास किया उसी प्रकार से हमारे देश में ये लोग आए और जब ये देश हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था या फिर वर्णन को लिख रहे थे तो ये उज्बेकिस्तान में ले गए तो उज्बेकिस्तान में भी भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली कि भारत का समाज इस प्रकार से था और इसी प्रकार से यानी इसी को आधार बनाते हुए ये विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत देश में आए थे क्योंकि तो उन्हें हमारे समाज के बारे में जानकारी मिल चुकी थी किसी भी देश पर अगर आपको आक्रमण करना है तो उसके समाज के बारे में उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए इसी प्रकार से ग्रंथों का अनुवाद हुआ विचारों का आदान प्रदान हुआ जिस प्रकार से हमारे भारत देश में कईयों संस्कृत वाले ग्रंथ थे कईयो पाली भाषा में लिखे गए थे कईयों प्राकृत भाषा में लिखे गए थे आपने देखा होगा ना मैंने आपको बताया था इन ग्रंथों के माध्यम से तो इन सभी ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया और हमारे समाज के बारे में बहुत सारी बातें मालूम चली हमारा भारत समाज भारत का जो समाज है वो इस प्रकार का है ध्यान रखना जो था कई भाषाओं में दक्ष था उसे बहुत सारी भाषाएं आती थी अलबरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा यानी कि बहुत सारे जो ग्रंथ थे उसने साथ साथ में रखे और उनकी तुलना करी और तुलना करने के बाद ही आपको सही जानकारी सटीक जानकारी मिलती है अगर आपने एक ही ग्रंथ पढ़ा है तो आप जो है समालोचना नहीं कर सकते जैसे कि आपने हिंदू धर्म भी पढ़ा है आपने कुरान भी पढ़ी है यानी कि आपने गीता भी पढ़ी है आपने 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 कुरान भी है, आपने भी पढ़ी पढ़ी है है ओके आपने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ा है तब जाकर आपको सत्य का ज्ञान होगा अगर आपने एक ही पक्ष को पढ़ा है ओके तो आपका ज्ञान सत्य नहीं होगा आपका जो विचार है वो एक धर्म के प्रति झुका रहेगा इसी प्रकार से जो अलबरूनी था इसने कई भाषाओं में कई भाषाओं को ज्ञाता था और अलवरुणी ने एक डिटेल में सभी किताबों को जो है रखकर तुलनात्मक अध्ययन किया और उसने कुछ बातें अपने वृत्तांत में अपनी किताब में लिखी न, उसकी बहुत सारी जो कृतियां थी संस्कृत वाली ओके संस्कृत की जो कृतियां थी इसमें पतंजलि का व्याकरण जो है वो भी शामिल था इसमें योग विद्या आप सभी लोग जानते हैं ना पतंजलि योग दर्शन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और योग दर्शन का प्रतिपादक भी हम लोग पतंजलि को ही मानते हैं अरबी भाषा में अनुवाद किया और अरबी भाषा में अनुवाद करने के बाद वहां पर ले गया और वहां के राजाओं ने इनको पढ़ा हालांकि देखो मुसलमानों के लिए ये जो ग्रंथ थे बिल्कुल बेकार थे क्योंकि मुस्लिम धर्म में किसी धर्म की बातों को मानना बिल्कुल अतार्किक है तो मुस्लिम धर्म पर हमारे भारत भारतीय ग्रंथों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसके एवज में हम लोग यूरोपियन लोगों की बात करेंगे जब यूरोपियन लोगों ने हमारे संस्कृत भाषा के ग्रंथों को प्राकृत भाषा भाषा के के ग्रंथों ग्रंथों को को पाली को जब पढ़ा तो उन पर काफी प्रभाव पड़ा उन्होंने देखा कि हमारा भारत देश कितना समृद्ध था कितना विकसित था बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हमारे ग्रंथों में दे रखी हैं। ओके तो वो सब बातें अलग हैं, लेकिन कुछ राजा थे जो हमारे ग्रंथों का अध्ययन करते थे जैसे कि हम लोग बात करें मुगल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा अकबर अकबर ने सभी का फारसी में अरबी में अनुवाद करवाया हालांकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अकबर ने सुन सुनकर सभी ग्रंथों को सभी ग्रंथों का अध्ययन किया तभी जाकर तो वो हुआ उदार हुआ और उसने दीन ए इलाही ग्रंथ की रचना करी धर्म की रचना करी ओके तो आप समझिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो आपके मुस्लिम शासक हैं उन्हें कोई मतलब था ही नहीं कुछ लोग थे जैसे कि हम लोग बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ये भी काफी समझदार था इसने भी जो है भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया अकबर सेकंड की हम लोग बात करेंगे दारा शिकुआ की बात करेंगे हम लोग हाँ दारा शिकुआ दारा शिकुआ भी आपका कुछ इसी प्रकार से ज्ञानी इंसान था उसने भी बहुत सारी जो भारतीय ग्रंथ है उनको पढ़ा था तभी तो वो सहिष्णु हुआ तो ध्यान रखना जो भी आपके शासक रहे हैं उन्होंने सभी धर्मों की किताबों का ज्ञान ग्रहण किया है तो कुल मिलाकर वो सहिष्णु राजा ही रहे हैं और इसी प्रकार से ये जो आपका वो था आ, अल अलबरूनी था इस अल बरूनी ने इसका एक दोस्त था ब्राह्मण मित्र था उसको केवल संस्कृति थी उसने एक यूनानी ग्रंथ का अनुवाद किया तो आप समझिए इस बात को कि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अन्य देश के ग्रंथों को समझने का प्रयास किया ओके और इसी प्रकार से कुछ अरबी लोग आए कुछ उज्बेक लोग आए कुछ यूनान लोग आए इन्होंने भी हमारे ग्रंथों को संस्कृत में अनु सॉरी अपनी भाषा में अनुवाद करवाया इसी प्रकार से देखो कि एक समाज के आचार विचार परंपराएं रीति रिवाज से पूरा जो विश्व है वो परिचित हुआ यानी कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से परिचित हुए वेस्टर्न कल्चर हमारे कल्चर से परिचित हुआ लेकिन आप ध्यान रखना कि जो समाज विकसित होता है उसके कल्चर का प्रभाव पड़ता है जैसे कि हम लोग बात करें वेस्टर्न कल्चर है काफी विकसित है तो हमारे देश के लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं तो वही सब बातें हैं तो इस प्रकार से ग्रंथों का अनुवाद हो रहा था और इस प्रकार से जो है आदान प्रदान हो रहा था अल बरूनी की किताब के बारे में बात करेंगे अल बरूनी किताब है किताब उल हिंद कौन सी है किताब उल हिंद आप ध्यान रखना कि किताब उल हिंद है ये बार पूछा गया है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है तो आप क्या बताओगे अल बरूनी की रचना है अल बिरूनी बोलेंगे इसको अल बिरूनी हम लोग कुछ पंजाब का शासक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ उसके आ, किस प्रकार से वो सत्ता में रहा था है ना तो अल बिरूनी का जन्म हम लोग बात करते हैं तो अल बिरूनी का जो जन्म है वो आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज में में सन नौ में हुआ था कब हुआ था नौ में हुआ था ख्वारिज में मैं ख्वारिज में कहां पर है उजबेकिस्तान में ध्यान रखना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि वो कहां से आया था ध्यान रखना ख्वारिज में एक शिक्षा का केंद्र था मध्य एशिया में एक शिक्षा का केंद्र था ख्वारिज में ध्यान रखना जिस प्रकार से हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के समय पर नालंदा सॉरी तक्षशिला एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आगे आने वाले समय में नालंदा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी थी उसी प्रकार से अगर हम लोग मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में जो खारिज में था यह मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक शिक्षा का केंद्र था और यहीं पर आपकी अलबरूनी का जन्म हुआ था तो ऑब्वियसली प्रभाव तो पड़ेगा तो ध्यान रखना जब ये उसी क्षेत्र में पैदा हुआ था तो इसका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा ये एक अच्छा आदमी था जिसने एक अच्छे लेवल की शिक्षा प्राप्त की थी

किसी समाज के बारे में एक सटीक जानकारी प्रदान करेगा ध्यान रखना, इसको सीरियाई भाषा आती थी इसको फारसी भाषा आती थी, इसको हिब्रू भाषा आती आती थी, इसको आती थी, इसको इसको संस्कृत भाषा लेकिन यूनानी भाषा नहीं आती थी फिर भी ध्यान रखना कि यूनानी भाषा को ना जानते हुए भी इसने प्लेटो और अरस्तु के विचारों के बारे में इसने कुछ जो है जानकारी इकट्ठा करी कुछ नहीं मतलब ये अरस्तु और प्लेटो के विचारों से पूर्णतः परिचित था आप सभी जानते हैं ना कि ग्रीक दार्शनिकों में प्लेटो और अरस्तु ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इन्होंने समाज के बारे में बहुत सारे थॉट्स दिए इन्होंने धर्म के बारे में इन्होंने संसार के बारे में इन्होंने ज्ञान के बारे में काफी महत्वपूर्ण जो है बातें लिखी हैं और प्लेटो और अरस्तु को आप पॉलिटी साइंस पॉल साइंस में भी पढ़ोगे आप दर्शन शास्त्र में भी पढ़ोगे हर क्षेत्र में पढ़ोगे तो अरस्तु और प्लेटो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हम लोग चाणक्य की बात करते हैं उसी प्रकार से प्लेटो और जो अरस्तु थे थे ये यूनानी यानी कि ग्रीक दार्शनिकों में एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और अलबरूनी इनके ज्ञान से परिचित था तो आप समझ सकते हैं अलबरूनी एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था इसने अरस्तु और प्लेटो के जो विचार थे उसका अरबी भाषा में कन्वर्सेशन किया लेकिन इतना जानकार नहीं था हम लोग आगे बात करते हैं सन एक हजार सत्रह में खारिज़ पर क्या हो गया आक्रमण हो गया क्या हो गया सन एक हजार सत्रह में रखना इसमें प्रमुख भूमिका थी सुल्तान महमूद की और ये सुल्तान महमूद था वो कई विद्वान और कवियों को अपने साथ ले गया कहा ले गया गजनी। आप सभी जानते हैं, ये जो सुल्तान महमूद था वो गजनी से संबंधित था और इसको भी बड़ा इंटरेस्ट था कवियों और विद्वानों को साथ में रखने का संरक्षण प्रदान किया इसने और ये जो अलबरूनी है ये महमूद के साथ ही हमारे देश में आएंगे ध्यान रखना जब ये जब महमूद ने खारिज्म पर आक्रमण किया तो कईयों कवियों और विद्वानों को ले गया इस विद्वान में एक इंसान और था वो था अल बिरूनी ध्यान रखना अल बिरूनी की जितनी भी किताबें हैं उसको आप डिटेल में याद करना क्योंकि तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं ध्यान तो रखना उसका आने का कोई मकसद नहीं था वो विरोध कर रहा था काफी कि मुझे जाना नहीं है तुम्हारे साथ लेकिन वो सभी को बंधक बनाकर लेकर आ गया तो मजबूरी में आना पड़ा तो कच नहीं आ गया वो और धीरे 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 उसको जो है ये शहर पसंद आने लगा कंफर्टेबल महसूस करने लगा और सत्तर वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने बाकी जीवन जो है आपका गजनी में ही बिताया उस समय पर गजनी काफी गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई भारत के बारे में बहुत सुना था उसने की भारत की संस्कृति ऐसी है भारत के राजा महाराज जो हैं इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं भारत के जो राजा महाराज हैं कि इतने आपके शौर्य वीर पराक्रमी इस प्रकार के राजा हैं तो बड़ा इंटरेस्ट था इसको हमारे भारत देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का ओके और ये कोई सामान्य बात भी नहीं है आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में पहले से ही क्या है क्या है एक काफी विकसित संस्कृति रही है आप देखोगे हमारे भारत देश के अंदर विज्ञान गणित और चिक, चिकित्सा के संबंध में काफी कार्य हुए हैं है ना ऐसा नहीं है कि अभी हुए हैं तीसरी शताब्दी में आप जाओगे चौथी शताब्दी में आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे विचारक रहे हैं ना जिन्होंने हमारे भारत देश के बारे में बहुत सारी जानकारी जानकारी दी है ये तो यूरोपियन लोग थे जिन्होंने बाद में हमारे ही ज्ञान को हमें ही बताया ओके और हम लोगों में हीनता की भावना डाली वरना हम लोग तो काफी आगे थे हमारी संस्कृति तो काफी आगे थी तो वो सब बात छोड़ो तो इन ये जो आपका गजनी ये जो आपका अल्बिर था इसकी भारत में रुचि हुई और इसने ये जो संस्कृत में जो रचित ग्रंथ थे जो कि खगोल विज्ञान से संबंधित थे जो कि गणित से संबंधित थे जो कि चिकित्सा से संबंधित थे इन सब का अरबी भाषा में अनुवाद किया तब इसको समझ में आया कि भारत की संस्कृति काफी विकसित है इसी प्रकार से पंजाब के गजनबी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से संपर्क हुए आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनने में मदद की आप सभी लोग जानते हैं जब पंजाब पर आक्रमण किया था महमूद उसने सॉरी इसने महमूद ने तो ये गजनबी का हिस्सा बन चुका था और जानकारी इकट्ठा करना और आसान हो गया और ध्यान रखना अल बरूनी ने ब्राह्मणों के साथ पुरोहितों के साथ और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिता दिए इसने और इसने भारत के अनेक जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करी हमारे संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे हुए थे वेद वगैरह इन सब की जानकारी इकट्ठा करी जो आपके दार्शनिक हैं पुरोहित वर्ग के लोग हैं ब्राह्मण हैं उनके साथ धर्म के विषय में वाद विवाद किया तो काफी नॉलेज इसकी काफी अच्छी थी ध्यान रखना उसकी यात्रा हमें कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखती कि उसने इतना समय हमारे भारत देश में इस क्षेत्र में बिताया okay, लेकिन इसने फिर भी कहा जा सकता है कि पंजाब में एक लंबा समय इसने बिताया था और उत्तर भारत के कई हिस्सों इस में इसने यात्रा की थी दक्षिण भारत के बारे में अलबरीनू के कोई भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं एक बात ध्यान रखना <coughs> 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 तो ध्यान रखना इसने जो समय-समय पर अपने वृत्तांत लिखे हैं अरबी भाषा में इसको हम लोग सटीक मान सकते हैं क्योंकि इसकी नॉलेज काफी अच्छी थी इसने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था इसने बहुत सारे विद्वानों से डिस्कशन किया था तो हम लोग पश्चिमी सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोलगा नदी तक फैले क्षेत्र से संबंधित जो भी मिले हैं इसके साक्ष्य उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं ध्यान रखना इसलिए हालांकि 1500 ईसवी ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके होंगे है ना तो कहने का मतलब भारत में अल बिरूनी को इतना महत्व नहीं मिला जितना कि उसको बाहर के क्षेत्रों में मिला <coughs> अब हम लोग कुछ बात करते हैं हिंदू हिंदू ये हिंदू शब्द कहां से निकला आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि जितने भी आपके विदेशी आक्रमणकारी हुए हैं उनको मालूम था कि भारत देश में भारत उपमहाद्वीप में रहने वाला रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के सपोर्टर हैं और हिंदू धर्म को जो है काफी मानते हैं तभी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे देश को हिंदुस्तान बोलते हैं क्योंकि तो हमारा देश है वो हिंदुओं का देश है तो कहा जाए के हिंदू शब्द कहां से निकला आप ध्यान रखना हिंदू शब्द लगभग छठी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। जी हाँ क्या है ये प्राचीन फारसी शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था कि सिंधु नदी जो है इसके पूर्व का जो क्षेत्र है वो क्या है वो हिंदू है अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा तो आपको समझ में आया कि हमारे भारत देश का नाम कैसे हिंदू हिंद और अल हिंद पड़ा आप सभी लोग जानते हैं हिंदू शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और ये जो है फारसी भाषा का शब्द कहां से निकला है ये सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए अरबी लोग यूज करते थे तो आपको समझ में आ गया हिंदू अब ये मत बोलना कि हिंदू शब्द जो है वो आपका संस्कृत वर्ड है समझ में आया बाद में तुर्कों ने सिंध से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा पहले क्या बोलते थे पहले ये जो अरबी लोग थे वो हमें हिंद बोलते थे अल हिंद बोलते थे लेकिन बाद में जब तुर्की लोगों का शासन उस क्षेत्र में आया तो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले जो लोग थे उनको हिंदू के नाम से जाना गया और अंतिम समय में यहां पर इसका जो नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा ओके क्या नाम पड़ा हिंदुस्तान नाम पड़ा आप सभी लोग जानते हैं जैसे आप वहां पर जाओगे थोड़ा ऊपर तो आपको तान तान वाले शब्द मिलेंगे जैसे कि उजबेकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान अफगानिस्तान तो हमारे भारत देश का नाम भी इन लोगों ने हिंदुस्तान रख दिया ओके क्या रख दिया हिंदुस्तान उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया गया तो कुल मिलाकर ये हिंदू शब्द कहां से निकलकर सामने आया ये फारसी भाषा का शब्द है और समय समय पर अरबी तुर्की लोगों ने हमारे देश को हिंदुस्तान बोला ओके ध्यान रखना ये जो शब्द है आपका हिंदू कोई धार्मिक पहचान का घोतक नहीं है कि हिंदू जो है हमारा कोई धार्मिक पहचान है धार्मिक शब्द है क्योंकि धार्मिक शब्द ये हमारे संस्कृत वर्डों में लिखा ही नहीं है कहीं आपको वेदों में हिंदू बिंदु मिलेगा ही नहीं ये हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं बहुत बाद में हिंदू शब्द का यूज किया गया था समझ में आया तो हमारे कहीं पर भी वेदों में उपनिषद में हिंदू शब्द की चर्चा नहीं की जाएगी भारत देश की चर्चा आपको मिल जाएगी ओके भारत हम लोग बोल सकते हैं तो हिंदू कोई धर्म नहीं है कोई जाति नहीं है कोई नाम नहीं है और हिंदू ना ही किसी धर्म की पहचान है तो समझ में आया आपको क्या है और क्या नहीं है तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए एनसीआर में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और बहुत सारी बातें हमें समझने को मिलती हैं ध्यान रखना अरबी भाषा में जो अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी है ये काफी स्पष्ट भाषा में सरल भाषा में हमारे भारत देश के बारे में जानकारी देती है कि उस समय पर हमारा किस प्रकार का धर्म था किस प्रकार का दर्शन हमारे देश में विकसित था किस प्रकार के त्यौहार हम लोग मनाते थे हमारा देश खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी जो था विकसित था आपने देखा होगा ना हम लोग खगोल विद्या में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितने जो है काफी आगे थे वो तो आप समझो हम लोग राशि राशिवाशि मिलाते हैं ना ये मंगल बुद्ध ग्रह शुक्र शनि ये जो नक्षत्र हम लोग देखते हैं यार तब तो दूरबीन की खोज भी नहीं हुई थी तब हम लोग इन ग्रहों के बारे में जानकारी जा मतलब हम लोग जानते थे इन ग्रहों के बारे में और इन ग्रहों के माध्यम से हम लोग भविष्य की सूचना दिया करते थे वो तो आज के समय में जो ब्राह्मण है लोकल ब्राह्मण उन लोगों ने जो है इन सबको जो है बिल्कुल गड़बड़ कर दिया लेकिन अगर देखा जाए <laughs> अगर देखा जाए ना तो बुरा मत मानना जो भी ब्राह्मण जाति के हों ओके मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ किस प्रकार से उत्तर आप तो इतिहास जानते हैं ना उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से रूढ़ीवादी परंपराएं जुड़ना स्टार्ट हुई है ना और एक विशिष्ट वर्ग ने अपने हितों को साधने के लिए अपने रोजगार को सुरक्षित करने के लिए जो है वेदों में गड़बड़ करना है स्टार्ट कर दिया तो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में हमारा देश काफी विकसित था आप समझिए इस बात को ओके हम लोगों ने पृथ्वी की परिधि के बारे में सटीक जानकारी जो है इकट्ठी की थी हम लोगों ने पाई का मान हम लोगों ने हम लोग शून्य के ज्ञान से परिचित थे ब्रह्मगुप्त ऐसे कुछ विद्वान थे जिन्होंने अंतरिक्ष के अंतरिक्ष के मामले में काफी जो है सूचना चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग जानते थे अब सोचो इस बात को गैलीलियो ये तो बाद में चौदहवीं पंद्रहवीं शताब्दी में आया था और हम लोग कब की बात कर रहे हैं हजार साल पहले की हम लोग जानते थे हमारा हिंदू धर्म है वो काफी विकसित है पता है काफी अच्छा है काफी जो है तभी तो बात के जो आपके धर्म सुधार धर्म सुधार आंदोलन हुए जिसमें कि दयानंद सरस्वती आए थे इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो हमारे वेदों में बहुत सारी साइंटिफिक चीजें दे रखी हैं ओके वो तो हम लोग समझ नहीं पाए आगे आने वाले समय में कुछ लोगों ने कुछ भी पढ़ा कुछ भी अर्थ निकाला और समाज में वही परंपराएं चल गई तो ध्यान रखना काफी आपको गर्व होना चाहिए आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो आपको गर्व होना चाहिए कि आप जो है भारतीय संस्कृति में पैदा हुए हो ओके okay. आपको गर्व होना चाहिए आपके साहित्य पर आपको ज्ञान गर्व होना चाहिए आपके तो मतलब हर तरह से ठीक है ना आपको हमेशा इज्जत करना चाहिए पता है जिस परिवार में आपने जन्म लिया है जिस क्षेत्र में आपने जन्म लिया है आपको उस पर, आपको उस पर गर्व करना चाहिए बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि हमने इस परिवार में जन्म ले लिया हम धीरू भाई अम्बानी के घर में पैदा होते भाई धीरू भाई अम्बानी के घर में भी पैदा होते तो भी कुछ नहीं कर पाते आप ओके जिंदगी में मजा तो कुछ और ही है आप गरीब घर में पैदा हुए हो और आप एक बड़े लेवल पर पहुंच जाओ बात तो तब बात तो तब आती है ना अब बड़े घर में पैदा हो गए कुछ ना किया विरासत में आपको सब कुछ मिल गया तो मजा नहीं आता है ना ओके जीरो लेवल से उठने का मजा ही कुछ और है तो वही सब चीजें हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं एक एग्जाम्पल नहीं है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मैं बता दूंगा आपको जो कि जीरो लेवल से उठे जैसे कि हम लोग बात करें आपके एपीजे अब्दुल कलाम एग्जाम्पल की कमी नहीं है आप भी जानते हैं इस बात को तो जो एक्सक्यूज देने वाले होते हैं कि हमारे साथ ये परिस्थितियां थी हमारे पास ये कमी थी हमारे पास पैसे नहीं थे हमारे पास हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाए तो वो एक्सक्यूज हमेशा एक्सक्यूज ही रहेंगे ठीक है ना वो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे मैं कलेक्टर नहीं बन पाया इसलिए कलेक्टर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास सुविधाएं नहीं थी तो एक्सक्यूज देने वालों से आप दूर रहना ओके मेहनत कभी कभी जो है आपकी हाथों की लकीर जो है बदल देती है तो किस्मत पर भरोसा मत करना किस्मत भी साथ देती है किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं ध्यान रखना तो मेहनत करो अच्छी बात ये है तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक विस्तृत ग्रंथ है आपका किताब उल हिंद और किताब उल हिंद के माध्यम से हमें अपने भारत देश के धर्म दर्शन त्योहार खगोल विज्ञान रीति रिवाज प्रथाओं सामाजिक जीवन जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं जैसे कि भार में हम लोग क्या यूज करते थे मापन विधियां ओके मूर्तिकला जानते हैं ना कि हमारे देश में मौर्य साम्राज्य के समय पर जो मूर्ति कला कितनी थी हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात कर लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के समय पर भी आपकी मूर्तियां अच्छी क्वालिटी की बनती थी हमारे देश में कानून किस प्रकार के थे हमारा देश में वैज्ञानिक तकनीकी गतिविधियों में ज्ञान कितना था इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है किताब उल हिंद से और ये जो आपकी किताब उल हिंद है ये 80 अध्याय में बटी हुई है तो आप समझिए किताब उल हिंद हमारे भारत देश के बारे में हमारे इतिहास को समझने में कितनी जो है जानकारी देती है तो किताब उल हिंद एक आधार हो सकती है आपके समाज को जानने के लिए ओके ओके ध्यान रखना ये जब आप किताब उल हिंद पढ़ोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है वो प्रश्न से होती है कि भारतीय समाज में क्या सती प्रथा मौजूद थी तो इंटरेस्ट आता है इंसान का पढ़ने में तो इतिहासकार के लिए बड़ा आसान हो गया हमारे भारत समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है ना ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है तो काफी महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में जानकारी आपको मिलती है ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग इस लगभग जामती संरचना तो ये सभी बातें आपको काफी अच्छी लगेंगी कि किताब उल हिंद के बारे में हमें पूरे समाज के बारे में ही नहीं हमें हर क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है अल बरूनी जिसे लेखन शैली में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी किसके लिए लिखी थी उप के जो सीमांत क्षेत्र हैं उसके लिए लिखी थी कि आप भारत समाज के बारे में आप जानकारी लो इसी के साक्ष्यों को आधार बनाते हुए बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत देश में आक्रमण किया क्योंकि हमारे भारत देश के संस्कृति के बारे में वो परिचित थे हमारे देश के समाज के बारे में परिचित थे हमारे देश के कानून के बारे में वो जानकार थे ओके ध्यान रखना ये जो अलबरूणी था ये कई भाषाओं का ज्ञानी था इसे सब भाषाओं का ज्ञान था संस्कृत का पाली का प्राकृत का इसने सभी ग्रंथों की अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इसने अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया और आप देख ध्यान <laughs> रखना इसमें केवल और केवल धर्म के बारे में समाज के बारे में जानकारी नहीं थी इन किताब किताब उल हिंद में किताब उल हिंद में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी जानकारी दी है चिकित्सा संबंधी कृतियां भी हमें देखने को मिली हैं अध्याय है, मैंने कहा था ना ये किताब उल हिंद है वो आपकी 80 चैप्टर में बटी हुई है और 80 चैप्टर में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बातें की गई हैं स्पष्ट रूप से इसने हर एक क्षेत्र को अलग अलग चैप्टर में बांटा है और हमें जानकारी मिलती भी है ध्यान रखना इसमें जो भी बातें लिखी गई है उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण है कि अगर आ, जैसे कि हम लोग बात करें कि हमारे वेदों में लिखा गया है कि अग्नि जो होता है वो भगवान और जो आम इंसान होता है उसके मध्य में संचार का माध्यम होता है ओके okay? तो क्यों होता है है ना इस तथ्य को उसने जो है एक सवाल के माध्यम से जो है एक प्रस्तुत किया है ओके okay? आलोचनात्मक विवरण आपको देखने को मिलेगा यानी कि तथ्य के साथ आपको जो है प्रूफ भी मिलेंगे तो काफी सटीकता के साथ इसने हमारे देश के ग्रंथ का अध्ययन किया है और हमारे देश के बारे में अनेक जानकारी इसने दी है तो बहुत सारी जानकारियां आपको अलबरूनी के बारे में देखने को मिल जाएंगी एक और आदमी था ये था इबन बतूता अब मुझे बताओ ये इबन बतूता कहां से आया था अब ये इब्न बतूता है ये भी हमारे भारत देश के बारे में कई जानकारी देगा एक मैं आपको जो है एग्जाम्पल देता हूं काफी अच्छा लगेगा आपको ये, ये जो रहला है, आप ध्यान मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ ध्यान रखना ये अल ये जो आपका इब्न बतूता है वो कहां से आया था आप मुझे बताओ ठीक है ना तो आप सभी जानकार हैं स्टार्टिंग में मैंने मैं आपको बता दिया था कि कहां से आया था ये जो आपका इबन बतूता है ओके ये बोलता है अपने जन्म स्थान तेजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ मैं अकेला ही निकल पड़ा बिना किसी साथी यात्री या कारवा के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं लेकिन अपने अंदर एक अधि प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतकरण में थी से प्रभावित होकर प्रभावित होकर प्रभावित होकर प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के लिए निश्चय का दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं उस समय मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 वर्ष थी कितनी थी उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 वर्ष थी इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए लगभग 30 वर्ष के बाद तो आप समझिए इस बात को कि इब्न बतूता को अट्रैक्ट किया किसने हमारे देश की संस्कृति ने काफी सुना था उसने क्योंकि इब्न बतूता भी एक ऐसा दार्शनिक था जिसने जो कि काफी मतलब भाषाओं को ज्ञान ज्ञानी था और इसने बहुत सारे दार्शनिकों से आ, हमारे भारत देश के बारे में सुना था इसने बहुत सारे जो इतिहासकार थे उनसे भी सुना था भारत के बारे में तो बड़ा इंटरेस्ट था जैसे कि आपको कोई काम करना हो जैसे कि मान लीजिए आपका पबजी में गेम जो पबजी गेम है उसमें आपका मन लगता है तो आपके लिए सर्दी गर्मी भूका प्यासा ये सब एक्सक्यूज काम नहीं करते हैं क्योंकि जो आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें एक्सक्यूज नहीं होते हैं है ना आपको जो भी अच्छा लगता हो आपको इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता हो आपको वेब सीरीज देखना अच्छा लगता हो आपको व्हाट्सएप देखना अच्छा लगता हो तो उसमें भूख प्यास सब मिट जाती है कुछ लोग तो प्यार मोहब्बत की बातों में ही भूख प्यास मिटा लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक फोन पर टंगे रहते हैं देखा होगा ना आपने ओके तो उनको इंटरेस्ट है इसी प्रकार से था था इसको भी काफी इंटरेस्ट किसमें अपने समाज के बारे में समाज के बारे में नहीं आ, जो हिंदुस्तान है उसके समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ध्यान रखना मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इस विदेशी यात्रियों से ओके तो ध्यान रखना उसने पहले मैगस्थिन के बारे में पूछा था पूछा था तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो अल बरूनी के बारे में पूछ ले हो सकता है कि वो इब्न बतूता के बारे में पूछ ले ओके तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए ध्यान रखना इब्न बतूता ये जो था इसने जो रेहला लिखी थी और रेहला जो है इस किताब के माध्यम से हमें अपने भारत देश के बारे में जानकारी मिलती है ओके okay. और ध्यान रखना इसने भारत के बारे में ही नहीं इसने लगभग पूरे विश्व के बारे में जहां जहां यात्रा की थी सबके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है और रेहला से ही हमारे भारत देश के बारे में भी जानकारी मिलती है उसने अपनी जो यात्रा थी उसको एक किताब में लिखा और ये इस किताब का नाम था और कई बार पूछा गया है कि रेहला जो है ये किसकी कृति है तो ये किसकी है इब्न बतूता की कृति है चौदहवीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी हमें मिलती है किसके माध्यम से रेहला के माध्यम से चौदहवीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन ध्यान रखना हम लोग विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं समाज के बारे में कि हमारा समाज किस प्रकार का था और ये क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है तो एक तो आपका जो अल बरूनी है अल बिरूनी बोलते हैं इसको अल बरूनी का जो ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है जो मैंने आपको अभी बताया था जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे जल्दी फटाफट बताओ फटाफट क्योंकि बहुत जल्दी आप भूल जाते हो किताब उल हिंद है ना काफी महत्वपूर्ण ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन विलियम्स में पूछ लेता है वो किताब उल हिंद किसकी रचना है ओके okay, तो ध्यान रखना हमेशा किताब उल हिंद है वो किसकी रचना है वो आपकी अल बिरूनी की रचना है एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे को आपको बतानी है ध्यान रखना अभी के आपके बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है स्पेशल बैच आपका स्टार्ट हो चुका है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा नहीं सोचना है कि काफी टाइम निकल चुका है आपके लिए ओके इसमें कंप्लीट जीएस का सिलेबस आपको करवाया जाएगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल हुई है लाइव क्लासेस फ्री पीडीएफ मटेरियल इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं जो मुखर्जी दिल्ली मुखर्जी नगर में है, उन सब से से पढ़ने को आपको मौका मिलेगा ओके ये स्टार्ट हो चुका है 15 दिसंबर से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे बच्चे बाईस दो हजार तेईस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो वो इन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं सबके लिए अलग अलग बैच है आपको जो भी अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास आपके पास प्लस है आपके पास आइकोनिक है ऐसे बच्चे जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं वो आइकॉनिक ले सकते हैं। इसमें आप का करना, का करोगे, तो आपको हर एक सेक्शन में, में आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा ओके okay? और डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ध्यान रखना ऊपर देखो सबसे ऊपर बी एस लाइव भूपेंद्र सिंह इसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा आप पर्सनली से लेकर दस बजे के टाइम पर कॉल कर सकते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं ओके ये कोड है जब भी आप एडमिशन लो आपके भाई बहन एडमिशन लें तो बी एस लाइव कोड का यूज आप कर सकते हो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं <coughs> हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में इब्न बतूता के बारे में और ये इब्न बतूता है इसकी रहला पुस्तक है और रहला पुस्तक के माध्यम से हमें भारत देश के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारी जानकारियां मिलती है इंसान था ये मोरक्को से आया था कहां से आया था इब्न बतूता मोरक्को से आया था और ये तेजियर के सबसे सम्मानित शिक्षित परिवार में से एक था ध्यान रखना ये इस्लामी कानून और शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए काफी प्रसिद्ध था यानी कि इसको शरीयत के कानून के बारे में एक स्पष्ट जानकारी थी इसको इस्लामी कानून के बारे में स्पष्ट जानकारी थी फिर भी ये भारतीय धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए काफी इंटरेस्टेड था अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक और शास्त्र शिक्षा हासिल करी जिस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे वो हुए आ, वो हुए ना क्या नाम से जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपके अः आपके शंकराचार्य रामानुज इनने भी तो बहुत कम समय में जो है धर्म के क्षेत्र में काफी पारंगत आ, पारंगत हासिल कर ली थी जैसे कि हम लोग बात करते हैं शंकराचार्य की शंकराचार्य पांच वर्ष की उम्र में ही सभी वेदों सभी वेदों की ज्ञाता बन चुके थे तो वो अपने समय से काफी आगे थे उसी प्रकार से आप इसको इब्न बतूता को बोल सकते हो हालांकि दर्शन के क्षेत्र में इब्न बतूता की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है इब्न बतूता सिर्फ और सिर्फ आप इसको एक इतिहासकार कह सकते हो दर्शन के क्षेत्र में इसने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं शंकराचार्य की तो आप जानते हैं ना संकलाचार ने काफी योगदान दिया था किसके क्षेत्र में ओके तो ध्यान रखना इस जिस प्रकार से हम लोग ये जो अलबरूनी है इसकी जो किताब है किताब उल हिंद इसको एक महत्वपूर्ण वृत्तांत मानते हैं इसको एक विदेशी इसको एक महत्वपूर्ण विदेशी विवरण मानते हैं इसी प्रकार से हम लोग इब्न बतूता के रहला को भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मान सकते हैं और इससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है ध्यान रखना इस व्यक्ति को यात्रा करने का बहुत शौक था आज के समय में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो यात्रा करते हैं समय समय पर यहाँ से वहां घूमते रहते हैं और जिंदगी भी देखो एक एक जिंदगी भी एक यात्रा ही है आपकी यात्रा है या फिर नहीं है आपकी जिंदगी एक यात्रा है और आपको देखो जिंदगी एक गेम की तरह है इसमें हार जीत लगी रहती है अगर आप इस जिंदगी को गेम की तरह ट्रीट करोगे तो आप जिंदगी में खुश रहोगे किसी भी चीज में इतनी आसक्ति मत रखो कि वो आपको परेशान करे जब वो जब उस चीज से आप जो है दूर हो जाओ तो आप परेशान रहो इस दुनिया में सब कुछ चल रहा है वो एक गेम की तरह चल रहा है और इस गेम में हार जीत तो होगी आपको वापस बाउंस बैक करना पड़ेगा ओके तो अगर किसी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो अगर किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो आपको हतोत्साहित होना नहीं चाहिए जब एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं एक बात का इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा तो ध्यान रखना ये जो इब्न बतूता है इसे यात्रा का बड़ा शौक था और इसने अपने यात्राओं के माध्यम से भारतीय समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी रेहला किताब में 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 लिख दी ओके नए 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 देशों देशों जाता था क्षेत्रों में, में जाने के बाद जो है इसने काफी जानकारी इकट्ठा करी है ऐसे बहुत ही कम आपको इतिहासकार मिलेंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर सभी राज्यों के बारे में सटीकता से जानकारी आपको दें इनमें से हम लोग बात करते हैं एक तो आपका किताब उल हिंद है जो कि अलबरूनी की है और आपकी

कुछ किताबें हैं जैसे कि जो कि अकबर के दरबारी ने लिखी थी तो हमें अकबर के शासन के बारे में जानकारी मिलेगी ऐसी शाहजहाँ के समय पर कोई दरबारी रहा होगा तो हमें शाहजहां के बारे में जानकारी मिलेगी तो इसी प्रकार से आप समझिए इसी प्रकार से बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी एक मिनट ध्यान रखना आप एक मिनट रुको मैं दो मिनट में आता हूँ चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे इब्न बतूता के बारे में तो ये आदमी था ये काफी इंसान था ओके तो इसने देखा जाए तो 1332 ईस्वी से 1332 से 1333 के आ, समय पर इस कालक्रम में इसने भारत की यात्रा करी ओके पहले वे मक्का का तीर्थयात्री बना उसके बाद सीरिया इराक फारस यमन ओमान पूर्वी अफ्रीका होते होते जो है कई व्यापारिक बंदरगाहों की कई तटीय क्षेत्रों की यात्रा कर चुका था ओके okay, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इब्न है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा इसने अलग-अलग क्षेत्रों -अलग के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करी ओके okay, नीचे टेलीग्राम ग्रुप नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है तो यहां से आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारे लेक्चर मिल जाएंगे जोग्राफी में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आ,

कहाँ-कहाँ घुमा था हम लोगों ने बात की थी कि इब्न बतूता जो है इसने अलग अलग क्षेत्रों में यात्राएं करी थी जैसे कि हम लोग बात करें मक्का, सीरिया, इराक फारस यमन ओमान और पूर्वी अफ्रीका इन सभी क्षेत्रों में इसने यात्रा की थी फिर ध्यान रखना ये मध्य एशिया के रास्ते होते होते इब्न बतूता सिंध पहुंच गया और सिंध का मतलब आप जानते हो ना ये भारत देश में प्रवेश कर जाएगा और ध्यान रखना उस समय पर दिल्ली का सुल्तान कौन था मोहम्मद बिन तुगलक और ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही इब्न बतूता ने इब्न बतूता ने जो है भारत की यात्रा की थी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इसने इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करी थी उसके बारे में काफी नॉलेज थी इसको तो ध्यान रखना इसके बारे में काफी तारीफ सुनी थी कि काफी इंटेलिजेंट इंसान है और काफी जो है संरक्षण देता है ये इतिहासकारों को विदेशी लोगों को और ऐसे लोग जो इंटेलिजेंट हैं काफी तो इब्न बतूता को संरक्षण प्रदान किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ध्यान रखना इब्न बतूता जो है वो मुल्तान और कक्ष के रास्ते होकर मुल्तान और मुल्तान और कक्ष नहीं है मुल्तान और उच्च है के रास्ते होकर दिल्ली की ओर इसने प्रस्थान किया कहां पर प्रस्थान किया दिल्ली की ओर इसने प्रस्थान किया अब ध्यान रखना अब ऑब्वियसली ये इब्न बतूता है वो दिल, दिल्ली की जो सल्तनत है उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा है ना वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में समाज के बारे में इब्न बतूता भारत के समाज पर ज्यादा फोकस करता है ध्यान रखना इस बात को तो मोहम्मद बिन तुगलक के सामने आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सुना कि इब्न बतूता एक विदेशी यात्री है और इसने कई क्षेत्रों की यात्रा की है हम हमने देखा था कि यमन ओमान बहरीन ओके इराक फारस मध्य एशिया से होता हुआ सिंध तक आया था तो काफी प्रभावित हुआ और ध्यान रखना इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया ये एक सम्मान की बात होती है ना काफी सम्मान की बात होती है हालांकि काजी और जो न्यायाधीश है इसका काम करता नहीं था जैसे कि हमारे डिप्लोमेट होते जैसे कि हमारे वो होते नहीं है खिलाड़ी वगैरह होते हैं और खिलाड़ियों को भी समय समय पर हम लोग कुछ ना कुछ डीएसपी वगैरह बना देते हैं ओके जैसे कि आपके महेंद्र सिंह धोनी है वो कैप्टन है आर्मी में तो जाते थोड़ी हैं वो कैप्टन ओके तो इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और कई वर्षों तक ये हमारे भारत देश में रहा और उसके बाद उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो विश्वास है

जाने का आदेश दिया गया मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन में जाने का आदेश दिया गया तो आप ध्यान रखना, अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालावार तट की ओर बढ़ा मालावार से यह मालदीप गया जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया तो आप समझ सकते हैं ना ये बंदा मोरक्को से होता हुआ आप देख सकते हैं कहां कहां पर ये घुमा इराक फारस यमन ओमान बहरीन पूर्वी अफ्रीका इसके बाद मध्य एशिया में आया मध्य एशिया में ये किरगिस्तान कजाकिस्तान ये तो कजाकिस्तान वगैरह ये तो बाद में बने मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ पर ये घुमा था उसके बाद ये भारत में प्रवेश किया भारत में दिल्ली सल्तनत में आया और दिल्ली सल्तनत के बाद किस प्रकार से ये मालाबार तट पर पहुंचा और मालाबार तट पर पहुंचने के बाद बादल मालाबार में अलग प्रकार का, का समाज था आप मध्य एशिया में जाओगे तो उस प्रकार उसमें अलग प्रकार का समाज आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक व्यवस्थाएं आपको अलग देखने को मिलेंगी ओके तो ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है तो इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में घूमा काफी एक्सपीरियंस था हम लोग जो इब्न बतूता की रेहला पढ़ते हैं इस रहेला के माध्यम से हमें पूरे विश्व के बारे में और हमारे भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है इसके बाद देखना यह श्रीलंका में पहुंचता है श्रीलंका में अठारह महीने तक रहता है अठारह महीने तक रहने के बाद ये वापस नॉर्थ ईस्ट में जाता है यानी कि बंगाल क्षेत्र की ओर प्रवेश करता है देखो बंगाल की और नॉर्थ ईस्ट की जो संस्कृति है वो काफी अलग टाइप की है तो आप देख सकते हैं पूरे भारत देश में भ्रमण कर लिया इसने मध्य एशिया में भ्रमण कर लिया पूर्वी अफ्रीका में भ्रमण कर लिया अब देखना यह नॉर्थ ईस्ट से होते हुए कहां पर जाएगा ये सुमात्रा जाएगा इसके बाद ये चीनी बंदरगाह चीनी बंदरगाह नगर जायतून गया और ध्यान रखना वहां पर इसने चीन में यात्रा की और यात्रा चीन में स्टार्ट करी और ये बीजिंग तक गया लेकिन यहां पर वो लंबे समय तक ठहरा नहीं तो आप समझ सकते हैं पूरा मध्य एशिया इसने घूम इसे घुमक्कड़ बोलते हैं इसको एक तरह से क्या बोलते हैं इसे घुमक्कड़ बोलते हैं तेरह तो सैतालीस में उसने घर जाने का फैसला किया मैंने कहा था कि 22 साल की उम्र में इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और 30 साल तक ही घूमा और तेरह में इसने बोला कि भाई मैंने पूरा विश्व घूम लिया है अब मुझे जो है अपने घर वापस जाना है और इसने अंतिम समय में जो है अपना वृत्तांत प्रस्तुत किया ध्यान <coughs> रखना ये जो आपका मोरक्को ये जो आपका इब्न बतूता है ये घुमक्कड़ इंसान था इसके जैसा एक सनकी इंसान और था वो था मार्को पोलो इस मार्को पोलो ने भी 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं तो 13वीं शताब्दी के अंत तक इसने वेनिस से लेकर कहां पर चीन तक और चीन से लेकर भारत तक यात्रा की थी और इसने भी अपना जो है वृत्तांत दिया और इस वृत्तांत के माध्यम से हमें पूरे मध्य एशिया के बारे में पूरे भारत के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है ओके बतूता जो है नवीन संस्कृतियों के बारे में लोगों के बारे में उनकी विश्वास उनकी आस्थाओं के बारे में ओके okay, तो इन सभी के बारे में कुशलता पूर्वक अध्ययन कर कर अपने रेहला ग्रंथ में वर्णन करता है कि किस प्रकार का समाज था एशिया में किस प्रकार का समाज था आपका पूर्वी अफ्रीका में किस प्रकार का समाज था आपका भारत में किस प्रकार का समाज था आपका चीन में और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही थी तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी रेहला ग्रंथ में ध्यान रखना यहाँ पर चौदहवी शताब्दी में ये उस समय पर यात्रा कर रहा था और आप ध्यान रखना इस समय पर यात्रा करना तो कितना सिंपल है ना और उस समय पर आप सोचो कि इसने इतनी लंबी यात्रा करी तो कितना मुश्किल काम होगा ओके

उस समय पर लुटेरे चोर डाकू बहुत हुआ करते थे उसका खौफ नहीं था इस इंसान को इतनी लंबी यात्रा तय करना इतना आसान बात नहीं होती है इसके बाद ध्यान रखना ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आता है और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये बताता है कि दौलताबाद से दिल्ली की दूरी जो है चालीस दिन की है और ग्वालियर से दिल्ली की दूरी है वो दस दिन में तय की जा सकती है ग्वालियर से दिल्ली तो ग्वालियर से दिल्ली काफी पास में है आपको मैं कुछ बता रहा हूँ ये जो बंदा था इस बंदे ने कहा यात्रा करी एक मिनट में आपको जो है एक बताता हूं ये फिगर देखो आप ये अंध खोया कुंदूज परवान काबुल अफगानिस्तान में ना गजना कंधार यहां पर आप देखोगे मुल्तान अजुदाहन अबूहर सरस्वती हंसी दहली सतलज नदी है ये ये सिंधु नदी है ओके तो इस प्रकार से इसने जो है रश, जो है यात्रा की है ये तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मध्य एशिया की बात कर रहे हैं अगर हम लोग चीन की बात करेंगे तो वो काफी लंबा पहुंच जाएगा ना है ना ठीक है तो ये सभी बातें हैं और ध्यान रखना नीचे आप देखो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है इस पर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप और एक सूचना और आपके लिए यहां पर आपको जो है छ महीने का एक बैच कोर्स लॉन्च किया गया है इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं आप आप इसके साथ जुड़ सकते हो अगर में तैयारी करना चाहते हैं और ऐसे विद्यार्थी जो कि कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं उनके लिए भी आइकॉनिक एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक साल दो साल तीन साल आपकी सुविधा के हिसाब से आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ये बी एस लाइव कोड है आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप एडमिशन लें तो इस रेफरल कोड का यूज कर लें और आपकी फीस हर एक कोर्स के लिए जो है दस परसेंट कम हो जाएगी चाहे वो आइकॉनिक हो चाहे वो प्लस हो चाहे वो आपका कोई सा भी हो ओके तो ये कोर्स है इसमें आप बीएस टाइप कोड का यूज कर लेना बीएस टाइप कोड का यूज करोगे तो मेरी गाइडेंस में आप आ जाओगे ओके ये सभी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी हैं अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं अगर आप सोच रहे हैं <coughs> तो हम लोग बात कर रहे थे इब्न बतूता के बारे में तो ये इब्न बतूता जो है कईयों के चक्कर में पड़ गया है बार इसको लूटा भी गया है ओके और ये ये जो जो था ये बंदा जो था बंदा कभी कभी अकेला चलता था कभी कभी ये साथ में समूह के साथ भी चलता था कभी कभी तो इसको समूह मिल जाया करते थे और कभी कभी यात्रा ऐसी हुआ करती थी कि जिसमें इसको हमेशा पैदल ही जाना पड़ता था ओके तो ध्यान रखना फिर भी इसका भय फिर भी ये भयभीत नहीं हुआ तो ध्यान रखना तो चलता गया चलता गया चल के एक दिन इसकी यात्रा जो है पूरी हो गई और वापस ये आ गया और एक बार इसने मुल्तान से दिल्ली पर यात्रा की थी तो उसमें कई बार इस पर आक्रमण भी हुआ देखो आप ध्यान रखना ये फालतू की बात नहीं है अब ये सभी जो घटनाएं हैं इन सभी घटनाओं का यह वर्णन करेगा अपनी किताब में कई कई बार बार इसका इसके जो 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 दोस्त दोस्त थे थे कारवा में शामिल इनकी जान भी चली गई ओके कई जो लोग हैं वो जीवित बचे रहे और कई लोग जो है इसमें घायल भी हो गए तो फिर भी चलता रहा चलता रहा ये तो एक यात्रा है जिंदगी भी एक यात्रा ही है इसमें बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में साथ में रहेंगे एक समय के बाद वो साथ में छोड़ के चले जाएंगे आप समझना इस बात को आपने भी बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए हो तो बचपन से लेकर अभी तक आपके जो फ्रेंड हैं वो एक ही रहे कुछ कुछ लोग होते हैं जो बचपन से लेकर साथ जो है बुढ़ापे तक साथ में रहते हैं लेकिन आप समझिए कि बचपन के दोस्त कोई और होंगे कॉलेज के दोस्त कोई और होंगे उसके बाद आपके ऑफिस के लोग कोई और होंगे इसके बाद आप जब ट्रांसफर लोगे यहाँ से वहां तो वहाँ के दोस्त आपके अलग बनते जाएंगे तो ये जिंदगी भी एक यात्रा है एक गेम है उसी की तरह ट्रीट करो इसको जिंदगी को इतना जो है आप दिल से मत लगाओ ओके जिंदगी में कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं ओके इसी प्रकार से ये जो इब्न बतूता था इसने काफी एक्सपीरियंस लिया और इब्न बतूता भी चलता गया चलता गया ये भी एक यात्रा है ध्यान रखना <coughs> ध्यान रखना कि इसकी यात्रा बहुत लंबी थी आप जानते हैं मध्य एशिया से होता हुआ ये चीन भारत श्रीलंका नॉर्थ ईस्ट हर जगह गया तो लुटेरे ही इसकी एक समस्या नहीं थे तो यात्री है कभी कभी भी भी इसको जो है 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 प्रॉब्लम हो हो सकती है, कभी भी किसी बीमारी से ग्रसित सकता है, मलेरिया हो जाए कुछ भी हो जाए तो कभी कभी इसको जो है ऐसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ा तो वहां के जो लोकल आपके वैद्य वगैरह हुआ करते थे वो इसका इलाज कर दिया करते थे वो किस्मत इसकी अच्छी थी कि ये बच गया ओके एक एग्जाम्पल देता है ये ये बोलता है कि मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया जीन एक जो घोड़ा होता है ना उसका एक वो होता है ओके मतलब आप जब घोड़े पे बैठते हो ना ओके जीन और रकाब ओके तो जीन से बांध लिया जिससे कि वो गिरे ना अंततः हम ट्यूनिशिया शहर पहुंच गए और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आ गए ओके तो ये कुछ यात्रा का वर्णन देता है वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए लेकिन उनमें से किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया क्योंकि तो वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो यानी कि इब्न बतूता के बारे में कोई जानता नहीं था ना उस समय पर कि इब्न बतूता है कौन है ध्यान रखना अपने एका की पन में अपने एका की तो ध्यान रखना जिंदगी है तो अकेला तो रहना पड़ेगा इसी प्रकार से ये भी काफी अकेला रहा इसने भी जो है अकेलापन देखा था आज के जीवन में भी तो सभी लोग अकेले हैं ना आप लोग भी अकेले हो टेंशन मतलब आईएस बन जाओगे तो दुकेले भी हो जाओगे, अगर नहीं बनोगे तो ब्याह भी नहीं होना तो हमारा सही बताएं तो हम <laughs> सही बता रहे हैं हम तो पढ़ लेना भाई साहब नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी वाली आजकल इंसान जो है ब्याह के लिए पढ़ रहा है तो ये बोल रहा था कि मैं इतना अकेला था कि मैं काफी उदास हो गया मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोक नहीं सका मैं बहुत रोया था उस समय पर पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण था जानकर मेरे पास आया और उसका ने अभिवादन किया अभिवादन करने के बाद इसको काफी अच्छा लगा ये एक जो है बता रहा है ये अपने बारे में एक कहानी के माध्यम से देखो जिंदगी में कोई काम करना है तो आपको जिद करना पड़ेगा ये इब्न बतूता भी था ये काफी जिद्दी इंसान था इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया और मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी ये अपनी जिद पर टिका रहा आप देख सकते हैं कहां से कहां पर ये जो है यात्रा कर रहा था आप जानते हैं ना मोरक्को में रहता है मोरक्को कहां पर है ये पश्चिमी अफ्रीका है ना वहां पर मोरक्को है आप सभी लोग जानते हैं जो आपका उत्तरी अफ्रीका है उसका सबसे पश्चिमी जो भाग है वहां पर मोरक्को है अच्छा आप मुझे बताओ कि मोरक्को पर किसका शासन है आज के समय पर तो मोरक्को ठीक है ना ये सभी बातें हैं तो मोरक्को में रहने वाला इंसान आप समझ सकते हैं कि उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया मध्य एशिया ओके और आप समझ सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर आया उसके बाद चीन भाग गया भाई साहब तो तीस साल की उम्र में इसने काफी यात्रा की थी तो जिस जिस क्षेत्र में इसने प्रवेश किया वहाँ वहाँ के जो लोकल राजा थे उनने काफी आदर सत्कार किया जब इसने अपनी पूरी यात्रा पूरी करी उसके बाद बहुत सारे शासक आए इन सभी शासक ने शासकों ने आदेश दिए कि भाई साहब इसकी जो कहानियां हैं इसके जो वृत्तांत हैं उसको लिखो इसके माध्यम से हमें पूरे विश्व के बारे में जानकारी मिलेगी ये बंदा जो है काफी एक्सपीरियंस्ड बंदा है है ना काफी ज्ञानी बंदा है इससे कुछ सीखो और हमें भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा ओके okay. तो बहुत सारे बंदे बहुत सारे शासक हुए इन्होंने जो है समय समय पर जो है ओके चलो ठीक है हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग देखते हैं ये इसकी यात्रा के बारे में देखा कहां-कहां पर इसने जो है यात्रा की थी इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा और मनोरंजन ओके शिक्षा और मनोरंजन इब्न बतूता बताएगा कि शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में क्या इसका एक्सपीरियंस रहा इब्न जुजाई जिसे हम लोग इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था अपनी प्रस्तावना में लिखता है कि एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा तो अपनी स्मृति में बैठे गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले हैं उनके तो उनके महान साहित्यकारों के के तथा संतों विषय में बताएं ओके okay, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस इसने लिया था तो उन एक्सपीरियंसों को एक किताब में लिखने का आदेश दिया गया मतलब सम्मान के साथ ऐसा नहीं की मतलब जबरदस्ती की गई उससे ओके okay, उसके बाद उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखाया जिसने मस्तिष्कों को मनोरंजन तथा कान और, और आंखों को प्रसन्नता दी यानी कोई भी इब्न बतूता की पुस्तक पढ़ेगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा क्योंकि उसे सभी देशों के बारे में सभी राज्यों के बारे में वहां के समाज के बारे में वहां के संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी तो काफी इंटरेस्टिंग था इसके बाद आप सभी जानते हैं <स्थ> इसने बहुत सारी घटनाएं ऐसी लिखी जो कि असाधारण है सिंपल नहीं है इसने बहुत सारी बातें बोली कि मेरा मुझे लूट लिया गया था कई बार मुझे मारा पीटा गया कई बार मेरे से संपत्ति छुड़ा ली लेकिन फिर भी मैं टिका रहा तो बहुत सारी आ, नोबल टाइप की बनाई थी इसने काफी इंटरेस्टिंग थी वो ओके इब्न बतूता के जो पद चिन्ह है हम लोग बात करते हैं इस पर तो चौदवा चौदाह सौ से अठारह सौ के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्री वृत्तांत लिखे ओके उसी में उसी समय भारत में भारत से मध्य एशिया ईरान और ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वाले ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे तो इस समय पर बहुत सारे यात्री आना स्टार्ट हो चुके थे स्टार्टिंग में तो बहुत कम ही लोग थे जैसे कि हम लोग बात करें कि ये था आपका अल बिरूनी तो अल बिरूनी भी कोई यात्री थोड़ी था मध्य एशिया से अः मध्य एशिया में रहता था मध्य एशिया में ही उसने आसपास का जो राज्य है वही उसके बारे में ही जानकारी दी उसने ओके बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं कि इब्न बतूता ने एक बहुत बड़े क्षेत्र में यात्रा की थी और अपने वृत्तांत में बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया था बाद में तो बहुत सारे यात्री आए इन सभी यात्रों के बारे, इन सभी यात्रियों के बारे में हम लोग जानकारी जानकारी लेंगे लेकिन बस ये बोलेंगे ये हम लोग समझेंगे कि कौन से राजा के समय पर कौन सा यात्री आया था सिर्फ इतना ही लिखेंगे बाकी तो आप सब ध्यान रखना क्योंकि इब्न बतूता पहला एक इंसान था जिसने एक बड़ी यात्रा की थी बाद में इसके पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत सारे आपके जो हैं आपके लेखक आए इन्होंने जो है आगे इसके इतिहास को बढ़ाया जिस प्रकार से अल बिरूनी ने एक स्पष्ट रूप से भारत देश के बारे में पूरे मध्य एशिया के बारे में जानकारी दी थी अलग अलग चैप्टरों के माध्यम से मैंने बताया था कि 80 चैप्टर थे इसके ग्रंथ में इसी प्रकार से इब्न बतूता इब्न बतूता ने भी अपनी घट घटनाओं को अपने वृत्तांत को अपने एक्सपीरियंसों को रेहला नामक किताब में लिखा था ओके okay, तो आगे इन लोगों ने रेहला को पढ़ा किताब उल हिंद को पढ़ा और इनको पढ़ने के बाद इतिहास को आगे बढ़ाया क्योंकि जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोग एन पढ़ते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसके बाद आज की घटनाओं का हम लोग जब वर्णन करेंगे तो स्पष्ट रूप से हम लोग इतिहास के बारे में अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है ओके वर्तमान में जो घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं इतिहास की बातों से प्रभावित होती है ध्यान रखना इब्न बतूता और अल बिरूनी है इससे प्रभावित होकर एक सबसे प्रसिद्ध इंसान था अब्दुल रज्जाक अब्दुल नहीं है अब्दुल रजाक है अब्दुल रज्जाक समरकंदी ये भाई साहब थे इनने भी 1440 में दक्षिण भारत की यात्रा करी और ध्यान रखना महमूद वली बख्शी जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी इसके अलावा एक शेख अली हाजिन था इसने 1740 में किस में यात्रा की थी उत्तर भारत में यात्रा की थी तो देखो अल बिरूनी और इब्न बतूता इसके बाद बहुत सारे दार्शनिक आए जैसे कि मैंने बात की थी आपसे अब्दुल रजाक महमूद वली बख्शी इसके अलावा शेख अली हाजिन इन सभी लोगों ने जो है अपने अपने यात्राओं का वर्णन किया लेकिन जो पहले काम कर जाता है उसको याद किया जाता है ना इब्न बतूता एक पहला इंसान था जिसने इतनी लंबी यात्रा की बाद के लोगों को ध्यान थोड़ी रखा जाता है जैसे कि फर्स्ट रैंक वालों को हमेशा ध्यान रखा जाता है सेकंड रैंक पर कौन था इतना कोई ध्यान थोड़ी रखता है ओके ध्यान रखना इस बात को इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा बर्नियर के बारे में क्योंकि हम लोग अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको तीन यात्रियों के बारे में बताऊंगा एक तो था आपका अलबरूनी दूसरा था आपका इब्न बतूता और तीसरा मैं आपको बताऊंगा यह है फ्रांसवा वर्नियर इसका भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये भी काफी महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना ये फ्रांस से आया हुआ था और इसके माध्यम से भी हमें अपने इतिहास के बारे में तत्कालीन समाज के बारे में तत्कालीन संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है ओके तो लगभग हम लोग 1500 ईस्वी के बात कर रहे हैं 1500 ईस्वी के समय पर आप सभी लोग जानते हैं भारत पर भारत में पुर्तगालियों का प्रवेश हो चुका था ओके उसके बाद ही यह यहां पर आया था और पुर्तगालियों के आने के बाद भारत का भारत के लिए एक रास्ता खोजने के बाद ये बर्नियर भी पुर्तगालियों के साथ में जो है भारत में आया था उसके आने के बाद इसने एक लंबे समय तक भारत में रहा और भारत के समाज के बारे में भारत के रीति रिवाज के बारे में भारत के धार्मिक प्रथाओं के बारे में इसने विस्तृत रूप से जानकारी दी ध्यान रखना उनमें से कुछ चुनिंदा लोग हैं जैसे कि हम लोग बात करें जैसविट रॉबर्ट नोबिली है ना इन्होंने भी भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया ओके। तो ये बर्नियर था इसने भी बहुत सारी जो ग्रंथ थे इनका अध्ययन किया अध्ययन करने के बाद इसने खुद का एक वर्णन दिया और इसने भारत के ग्रंथों के माध्यम से भारत की संस्कृति को समझाने का प्रकाश प्रयास किया किसको इसमें एक इंसान और था वो मैंने आपको बताया था कौन था वो हुँ? जस्ट मैंने अभी आपको नाम लिया था जैसुट रॉबर्टो नोबिली ओके सबसे प्रसिद्ध आपका यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुराते बारबोसा का है ये भी ये नाम आप थोड़ा सा थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुराते बारबोसा का है ये दक्षिण भारत में गया था और दक्षिण भारत में इसने जो व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी दक्षिण भारत में आप सभी लोग जानते हैं दक्षिण भारत का जो एरिया है वो एक कोस्टल एरिया है और कोस्टल एरिया है तो ऑब्वियसली जब आपका पश्चिमी भारत होगा पश्चिमी तट होगा तो पश्चिमी तट से कहीं ना कहीं जो है जो आपका अफ्रीका है यूरोप है वहां से आया आयात निर्यात होगा इसी प्रकार से आप पूर्वी भारत में जाओगे पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र में जाओगे तो ये जो आपका बलाया वगैरह है सुमात्रा है यहाँ से भी आपका जो है आयात निर्यात होगा आपके तो लेखक हैं सॉरी ये जो दक्षिण भारत, <coughs> भारत में ये दुराते बारभूसा है इसने दक्षिण भारत के व्यापार के बारे में वर्णन किया कि वहां की नापतोल की प्रणाली ये है दक्षिण भारत के दक्षिण भारत में किस प्रकार के राज्य थे किस राजा का शासन था कौन राजा शक्तिशाली था यहाँ वहां पर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की चल रही थी ओके इसी प्रकार से आप समझिए कि वहां का समाज किस प्रकार का था देखो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं आपको कि दक्षिण भारत का समाज हड़प्पा सभ्यता से ही अलग प्रकार का रहा है आज भी आप जाओगे

आपका है अबल बरूनी अलबरूनी बिरूनी बोलते हैं इसको इसके बाद है आपका बर्नियर ये तीन आदमी जो है दसवीं शताब्दी से लेकर सत्रवीं शताब्दी के मध्य की जो भी घटनाएं हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सबके बारे में जानकारी देते हैं मैंने कहा था इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं आपके एक तो साहित्यिक स्रोत होता है और साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं धार्मिक और गैर धार्मिक इसके बाद मैंने बात की थी साहित्यिक स्रोत में दूसरा आता है आपका विदेशी विवरण तो विदेशी विवरण में हम लोग ये तीन जो लोग हैं ना इसको हम लोग ध्यान रखते हैं हमेशा फ्रांस फ्रांस बर्नियर इसके अलावा ओके कौन था अल बिरूनी और इसके बाद इब्न बतूता इसके बाद नहीं अल बिरूनी पहले आया इब्न बतूता बाद में आया और इसके बाद आपका बर्नियर आया ध्यान रखना इनमें से एक प्रसिद्ध नाम एक और था फ्रांसीसी जोहरी जॉन बैप्टिटस त्रिवेनियर इसका नाम भी काफी महत्वपूर्ण है ओके इसने कम से कम छह बार भारत में जो है यात्रा करी और विशेष रूप से हम लोग बात करते हैं इसने फोकस किया किसके ऊपर व्यापारिक स्थितियों के बारे में कि किस प्रकार का व्यापार यहाँ पर भारत देश में होता है तो काफी प्रभावित हुआ था उस समय पर हमें काफी व्यापार लाभ हो भी रहा था उस समय पर तो व्यापार हमारा बढ़िया चल रहा था ना क्योंकि तो यूरोपीय लोग जो हैं हमारे देश से मसाले ले जा रहे थे और मसाले के बदले हमें जो है हीरे मोती जवाहरात जो है वो दे रहे थे और धन की निकासी कहां से कहां हो रही थी मैंने आपको बताया था यूरोप से भारत में हो रही थी उस समय पर और ध्यान रखना उस समय पर ये जो आपका यात्री है ट्रेवेनियर इस इसने भारत का जो साम्राज्य है उसकी तुलना रोमन साम्राज्य से की थी इसकी तुलना ईरान साम्राज्य से की थी इसकी तुलना ओटोमन साम्राज्य से की थी उस समय पर दक्षिण भारत का आर्थिक हालत काफी अच्छी थी ठीक है ना इसके अलावा कुछ और भी यात्री आए जैसे कि तालवी चिकित्सक मनुकी मई को मनुची भी बोलते हैं हिंदी में इसको मनुकी भी बोलते हैं हम लोग एनसीआर में पढ़ रहे हैं तो हम लोग एनसीआरटी की भाषा को ही यूज करेंगे कोई कोई किताब है इसमें इसको मनुची भी दे रखा है ओके इसके बाद जो मनुष्य मनुची है वो कभी भारत में वो यूरोप में वापस गए नहीं ये भारत भारत इसको इतना अच्छा लगा कि भारत में बस गया ओके तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है तो ये एक जो इंसान था ये बर्नियर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बर्नियर जो एक इंसान था एक चिकित्सक भी था ओके इसको काफी नॉलेज भी थी चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक राजनीतिक दार्शनिक भी था आप पॉल साइंस में अगर आपका सिलेबस ब्रॉड होगा तो आप ये बर्नियर को भी पढ़ोगे इसने काफी जो है राजनीति के बारे में काफी ज्ञान दिया है इसके अलावा हम लोग बात करें ये एक इतिहासकार भी था इसने अपनी यात्रा के दौरान कईय वृत्तांत लिखे भी थे ओके ठीक है इसी प्रकार से कई लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में आया था ऑब्वियसली अफसरों की तलाश में तो आते ही हर कोई इंसान अवसरवादी होता है तो यह भी आया था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो जाए वह पंद सोलह से सोलह तक भारत में 12 वर्ष तक रहा तो आप समझ सकते हैं कि एक लंबे समय तक रहने के बाद इसको बहुत सारी जानकारी मिली थी मुगल दरबार मुगल दरबार का जो आपसे हाँ मुगल दरबार का जो आपका सम्राट था शाहजहां उसका जो बड़ा पुत्र था दारा चिकित्सक के रूप में नियुक्त था आप सभी लोग जानते हैं बर्नियर एक अच्छा चिकित्सक भी था तो दारा शिकोआ के पुत्र के समय पर ही चिकित्सक के रूप में नियुक्त था और ध्यान रखना इसके अलावा ये एक बुद्धिजीवी इंसान और एक वैज्ञानिक के रूप में भी इसकी जो है गिनती की जाती है मुगल साम्राज्य में ओके तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ओके ये कहां पर आ गए हम लोग एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो गई क्या एकदम से अच्छा ठंड पड़ रही है ना इसलिए ओके चलो मेरी बात सुनो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पूर्व और पश्चिम की तुलना किस प्रकार से की जाती है कैसे कैसे की जाती है इसकी हम तुलना करेंगे आगे बात करेंगे इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं ये है बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह और हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है जो भी ऐसे बच्चे हैं जो की सिस्टमैटिक तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बैच कोर्स है वो छह महीने का बैच ले सकते हैं अभी प्रीलिम्स के आपके छ महीने बचे हुए हैं तो आप इसको ज्वाइन कीजिए काफी अच्छा लगेगा आपको और आपके पास ऑप्शन भी है आइकॉनिक और प्लस यहाँ पर आपकी फीस दे रखी है और हर एक कोर्स में आप बी लाइव कोड का यूज करोगे तो हर एक कोर्स में आपको जो है दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ये कोड है बी एस लाइव इस कोड को आप हमेशा तो के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ चूंकि ये नई एनसीआर है भाग दो हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो काफी अच्छा लगेगा ठीक है मिलते हैं फिर ये है टेलीग्राम ग्रुप बी एस लाइव भूपेंद्र सिंह और ये मेरा डिस्काउंट कोड है इसको आप ज्वाइन इसको आप जो है यूज कर सकते हैं ओके okay, चलो ठीक है मिलते हैं फिर हम लोग